हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आज हम आपको बताएंगे। अगर आपका जनधन योजना में जीरो खाता है तो आप निकाल सकते हैं 10,000 रुपए अपने जनधन खाते से। तो दोस्तों, कैसे आप इस जनधन खाते से 10,000 रुपए निकालेंगे और किन लोगों को ये सुविधा मिलेगी और जनधन खाते के कौन कौन से फायदे हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। कब और किस योजना यानी इस योजना की कब शुरुआत हुई थी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। और दोस्तों, नीचे आकर आपको कमेंट में लिख देना आपका जनधन खाता कौन सी बैंक में है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जनधन खाता है तो निकाल सकते हैं 10,000 रुपए, जानिए कैसे। जी हाँ दोस्तों, जनधन योजना के तहत से खास स्कीम है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाने के लिए की थी, मगर समय के साथ साथ और भी बहुत से फायदे जनधन खाते के में दिए गए हैं। इस समय कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, मजदूर और दिहाड़ी रोजमर्रा के छोटे मोटे काम कैसे रोजगार चलाने वालों के सामने आर्थिक दिक्कत आने लगी। इसी के मद्देनजर सरकार ने जनधन खातों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने जनधन खाते योजना के तहत खोले 20.4 करोड़ महिलाओं के खाते में बतौर आर्थिक सहायता अगले 3 महीने के लिए 500 रुपए डाल दिए। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ साथ अगर आपका जनधन योजना में जीरो खाता है तो आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलेगी। बता दें कि अगर आपका जनधन खाता है तो आप ओवरड्राफ्ट के जरिए अपने खाते से 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, मगर ये सुविधा जनधन खाते के कुछ महीने तक ही सही से रखरखाव के बाद मिलती है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार सरकार जनधन खातों पर ओवरड्राफ्ट की लिमिट बढ़ा सकती है। इसके लिए सरकार की तरफ से बैंकों को जल्द ही आदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट की सुविधा अन्य बचत खातों पर भी दी जा सकती है। इससे सरकार का उद्देश्य लॉकडाउन में उन लोगों को फायदा पहुंचाना है जिन्हें फ्री राशन और सिलेंडर या जनधन खाते में पैसे का फायदा नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको नीचे कमेंट में लिख देना है आपको फ्री में राशन, फ्री में सिलेंडर और पैसे मिले हैं या नहीं। तो दोस्तों, और कौन कौन से फायदे हैं, यानी जनधन खाते के में मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती है। 30,000 रुपए तक का लाभ यानी लाइफ कवर जो लाभार्थियों की मृत्यु पर योग्यता शर्तों पूरी करने पर मिलता है। देश भर में पैसे ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। 2,00,000 रुपए तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है। सरकारी योजनाओं के फायदे का सीधा पैसा बैंक खाते में आता है। बीमा पेंशन प्रोजेक्ट खरीदना आसान, जमा राशि पर ब्याज मिलता है। ये योजना ग्रामीण और शहरी सभी लोगों को दी जाती है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना में ये योजना सभी ग्रामीण को दी जाती है, शहरी और ग्रामीणों को दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, बैंक की मुहैया सुविधा कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में पहले साल ही प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को की थी, जबकि इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। इस योजना के तहत पीएम किसान यानी पीएम मोदी का उद्देश्य हर परिवार के लिए एक बैंक खाता खोलने का था। समय बीतने के साथ साथ ही इस योजना में सरकार ने कई लाभ शामिल किए हैं, इसका विस्तार किया। जनधन योजना के तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चे का भी खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका जनधन योजना में जीरो खाता है तो आपको मिलेंगे 10,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।